Hello guys, how are you? Hope you all fine. Welcome to my YouTube channel Modern Trading guys. You know, इस टाइम मॉडर्न ट्रेडिंग चैनल पर मैं ऐसी स्पेशल सीरीज चला रही हूँ जिसमें मैं आप सभी को पर डे एक स्पेशल कैंडल सिक्स पैटर्न के बारे में बता रही हूँ, कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बता रही हूँ जिनको अप्लाई करके आप मार्केट चार्ट पर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, कैंडल सिक्स पैटर्न को स्पेशल तरीके से सीख सकते हैं। एंड गाइज, इस सीरीज के पार्ट वन में मैंने आप सभी को हैमर एंड हैंगिंग मैन के बारे में बताया था, ये क्या होते हैं, कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे हम इस तरह मार्केट चार्ट पर इनको अप्लाई करके ट्रेड कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हमने कवरअप किया था। एंड गाइज, इस सीरीज के पार्ट टू में हमने ग्रेवस्टोन दोजी एंड ड्रैगन फ्लाई दोजीज के बारे में बताया था, ये कैसे होते हैं, कैसे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं मार्केट चार्ट पर, ये किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हमने कवरअप किया था। एंड गाइज, इस सीरीज के आज के पार्ट थ्री में आज हम बात करने वाले हैं शूटिंग स्टार्स के बारे में, ये क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, कितने टाइप्स के ये हो सकते हैं और ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर ये हमें देखने को मिलते हैं। एंड गाइज, इनके क्वालिटीज़ क्या रहती हैं, लुक्स एंड टाइप्स क्या रहता है, सारी चीज़ों पर आज बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, आज का ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मॉडर्न ट्रेडिंग चैनल पर, आप सभी को पढ़े कुछ ना कुछ स्पेशल सीखने को मिलने वाला है, सीखने को मिलता है। तो गाइज, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए जहाँ पर आप सभी को डेली कुछ ना कुछ फ्री श्योर शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जहाँ जिनको फॉलो करके आप अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर ही सकते हैं। एंड गाइज, वहाँ से आप हमारे VIP ग्रुप के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप सभी ने अभी तक क्यूटेक्स पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए, ID कन्फर्म करवा के डिपॉजिट कंप्लीट करके आप VIP ग्रुप में एंट्री ले सकते हैं। ओके, सो गाइज, ये शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं और आगे आने वाली वीडियोस में आप जानकारी चाहते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में सीखना चाहते हैं, स्ट्रेटजीज फंडामेंटल्स एंड एनालिसिस को जानना चाहते हैं, तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, सो आज के वीडियो शुरू करते हैं। एंड ये शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कैसे वर्क कर सकते हैं, आइए जानते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो गाइज, आज के पार्ट थ्री सीरीज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं शूटिंग स्टार्स के बारे में, ये क्या होते हैं, सारी चीज़ों को आज हम बात करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। तो गाइज, यू नो, शूटिंग स्टार्स का मतलब आप जानते हैं टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार्स हमें ये शो करते हैं मंदी को, आप सब जानते हैं। ओके, शूटिंग स्टार्स मतलब जब हमारे मार्केट चार्ट में, इनके पहले मैं इनके लुक्स की टाइप बात करती हूँ, तो गाइज ये कुछ इस तरह के होते हैं। ओके, लुक्स मतलब लंबी सी शेडो दे रखी होगी, एज अ 1/10 परसेंट की ये लंबी शेडो दे रखी होगी, नीचे यहाँ पर छोटा सा बॉडी पार्ट दे रखा होगा। ओके, 3/4 रेशियो का छोटा सा बॉडी पार्ट दे रखा होगा, लंबी सी शेडो दे रखी होगी। एंड गाइज, ये जब इस तरह के बनते हैं, एज मैं बात करूँ इनके जो रिवर्सल हैमर होते हैं, हैंगिंग मैन, ये कुछ इसी टाइप के देखने के जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ओके, और अब मैं इनके सिमिलर कैंडल्स की बात करूँ तो पार्ट टू में हमने बात की थी ग्रेवस्टोन के बारे में, आपने देखा हो ग्रेवस्टोन जो कि ग्रेव मतलब मैंने बताया था, ग्रेव मतलब कब्र, मतलब जो ज़मीन से कनेक्टेड हो। ओके, जिनका डाउन पार्ट रहता है, बॉडी पार्ट डाउन में डाउन डायरेक्शन की ओर रहता है, कुछ उसी तरह के लुक्स में ये शूटिंग स्टार्स होते हैं। ओके, शूटिंग स्टार्स मतलब जिनका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दोनों एक पास रहते हैं, दोनों इक्वल रहते हैं, दोनों आसपास रहते हैं। ओके, मतलब आप समझ सकते हैं इस कैंडल में इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ से होता है, स्टार्ट होता है, एंड यहाँ से ये पूरा यहाँ से अगेन होते हुए एंड डर वापस होते हुए यहाँ पर जो कैंडल क्लोज हो जाती है, इसका क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस दोनों सिमिलर रहता है, दोनों आसपास रहता है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कुछ इस टाइप्स के होते हैं, ये हमें शो करते हैं मार्केट में मंदी के लिए। ओके, मतलब जब हमारा मार्केट चार्ट्स में काफ़ी टाइम से हमारी ये शो करता है कि हमारे मार्केट अभी तक काफ़ी अपर डायरेक्शन की ओर चला है, हमारा प्राइस हाई चला है। ओके, लेकिन अब हमारा यहाँ पर मार्केट चार्ट में हमारा शूटिंग स्टार्स बना है, मतलब यहाँ से हमारा मार्केट डाउन फ्लो की ओर जाने वाला है, यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग होने वाले हैं, बायर्स। ओके, तो आप सब इस चीज़ को समझ सकते हैं। और ये इनके टाइप्स की बात करें तो ये चार टाइप्स के देखे जाते हैं। ओके, मतलब शूटिंग स्टार्स में स्पेशल बात ये रहती है कि इन पर कलर कोई वर्क नहीं करता। ओके, चाहे ये ग्रीन कलर का बने या रेड कलर का बने, ये एक ही वर्क करता है कि हमारा शूटिंग स्टार्स बनने पर मार्केट हमारा डाउन डायरेक्शन की ओर जाने वाला है। मतलब अभी तक हमारा जो ट्रेंड था
वो अपर की ओर था, अप ट्रेंड में था मार्केट, ओके। लेकिन यहाँ से हमारा शूटिंग स्टार्स बनने के बाद हमारा मार्केट डाउन फ्लो की ओर जाने वाला है, ओके। ये कुछ चार टाइप्स के देखने को मिलते हैं हमें। एक तो हमें इस तरह के रेड कलर का देखने को मिल सकता है, एक इसी तरह का हमें ग्रीन कलर का देखने को मिल सकता है, ओके। एंड एक जो तीसरा थर्ड टाइप हमें देखने को मिल सकता है वो है कि यहाँ पर जो दे रखा है इसी यहाँ पर छोटी सी डाउन डायरेक्शन की ओर छोटी सी शेडो भी दे रखी होगी, ओके। आप समझ सकते हैं अभी यहाँ डाउन डायरेक्शन की ओर कोई भी छोटी शेडो दे नहीं दे रखी है, लेकिन अगर यहाँ पर थर्ड टाइप की बात करें तो यहाँ छोटी सी शेडो भी दे रखी होती है, ओके। एंड इसके फोर्थ टाइप की बात करें तो वो ग्रीन कलर में छोटी सी शेडो दे रखी होती है, ओके। मतलब अभी इसमें इसी रेड कलर की एंड सेकेंड कैंडल ग्रीन कलर की इसमें कोई दोनों शेडो नहीं दी होंगी, ओके। लेकिन वही वर्क करेगा कि वहाँ से ट्रेंड चेंज होकर डाउन डायरेक्शन की ओर होगा। अगर इसके थर्ड टाइप की बात करें तो यहाँ छोटी सी और शेडो दे रखी होगी, ओके। छोटी सी शेडो दे रखी होगी, वो भी यही वर्क करेगा, वहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन की ओर जाएगा, ओके। एंड अगर इसी के छोटी सी शेडो दे रखी होगी रेड के अलावा ग्रीन कलर में भी, तब भी हमारा यही वर्क करेगा कि हमारा मार्केट अप टू डाउनवर्ड जाने वाला है, ओके। ये यही वर्क करेंगे यहाँ, इसमें कोई वर्क कोई कलर की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, सब चारों कैंडल्स एक ही वर्क करती हैं कि हमारा मार्केट अप टू डाउनवर्ड जाने वाला है, ओके। इनकी खास बात ये रहती है कि ये हमेशा अपर फ्लो की ओर बनती है, अपर पीक पर बनती है, ओके। अपर पीक पर बनने के बाद शूटिंग स्टार जैसे ही अपर पीक पर बनता है वहाँ से हमारा मार्केट अपर फ्लो लेता है, ओके। लेकिन अगर ये तभी बनते हैं जब हमारा इससे पहले अप ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यू 5-6 कैंडल्स 5-6 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स या फिर अब 13 मिनट्स से मार्केट अप ट्रेंड में चला हुआ हो, लंबा चला हुआ, ओके। जब भी हमारा मार्केट अप ट्रेंड में चला हुआ होता है काफ़ी लंबे टाइम से, और उसके बनने के बाद अप ट्रेंड के लंबे हो जाने के बाद जब हमारा शूटिंग स्टार कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, वहाँ ये श्योरिटी हो जाती है कि हमारा मार्केट अब यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ओर फ्लो लेने वाला है, हमारा ट्रेंड चेंज होने वाला है, ओके। तो शूटिंग स्टार्स कुछ इस तरह की दिखाई देते हैं और ये कुछ इस तरह से वर्क करते हैं, और इनको देख करके आप कुछ ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये अप ट्रेंड पर ये कुछ कैंडल्स देखने को मिलती हैं, वहाँ पर आप अपर पीक पर आप डाउनवर्ड की ओर ट्रेड प्रेस करेंगे तो आप ऑब्वियसली ट्रेड जीतेंगे, ओके। एंड इसके डाउन फ्लो की मैं मार्केट चार्ट की बात करूँ तो कुछ ये इस तरह का आइडेंटिफाई होता है, इस तरह के हमें शो करता है, ओके। सो होप सो आप सभी को ये शूटिंग स्टार्स कैंडलस्टिक्स पैटर्न समझ में आया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो कुछ नए व्यूअर्स हैं, कुछ नए ट्रेडर्स हैं, जिनको अभी भी मैं अगर ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, प्राइस एक्शंस के बारे में बात करूँ तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ओके। तो उनके लिए कैंडलस्टिक्स पैटर्न केवल अभी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड इस चीज़ को जानना ज़रूरी है, तो मैं इसलिए इजी लैंग्वेज में बताती हूँ ताकि आप सभी को ये छोटी छोटी चीज़ें नए ट्रेडर्स को, नए व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आए, ओके। सो होप सो आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो बाकी मैं इनको शूटिंग स्टार्स कैंडल्स को लाइव चार्ट पर अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ, इनको अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ ये किस तरह से वर्क कर सकते हैं, कैसे हम मार्केट चार्ट पर हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। सो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये इनको आइडेंटिफाई करके हम इन पर ट्रेड करते हैं विद लाइव ट्रेडिंग, ओके। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ यहाँ अपने क्यूटेक्स के लाइव अकाउंट पर, जिसमें आप सभी को इस वक्त मेरे लाइव अकाउंट में 5000 अबव का लाइव बैलेंस शो हो रहा होगा, आप सब देख पा रहे हैं। एंड गाइज होप सो मैंने जिस कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में आज बात की है, शूटिंग स्टार्स के बारे में, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से जाना और समझा होगा। तो गाइज शूटिंग स्टार्स की हेल्प से ही आज हम ट्रेडिंग करके देखने वाले हैं, ओके। देखना है कि हमें शूटिंग स्टार्स कितना अप्लाई होता है, ओके, कितना कंफर्टेबल होता है। तो फर्स्ट टाइम अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ करेंसी पर शूटिंग स्टार्स के बारे में, तो मैं आपको दिखा दूं कि कहाँ कहाँ ये अभी अप्लाई हो रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि शूटिंग स्टार्स हमारे अपर पीक पॉइंट पर ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, ओके। तो शूटिंग स्टार्स मैंने बताया है जिसका ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट बहुत नियर साइड हो। तो अगर मैं यहाँ पर देखें GBP JPY करेंसी पर 92 हमारा प्रॉफिट रेट यहाँ पर दिखा रहा है। अगर इस करेंसी पर हम देखें तो हमारा जो अभी अपर ट्रेंड रहा है, ये अभी हमारा ये डाउन का ट्रेंड चल रहा है, ओके। यहाँ से अभी अपर ट्रेंड की ओर जा रहा है, ओके। तो फिलहाल अगर हम अभी बात करें इसके ये अपर पीक पॉइंट की, तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये शूटिंग स्टार बना हुआ है। मैंने आपको बोला है इसकी लंबी शेडो होती है, इसका ये ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट दोनों बहुत ही दोनों नियर साइड रहते हैं, ओके। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा शूटिंग स्टार ये बन रहा है, ओके। देन यहाँ से मैंने आपको बोला है कि शूटिंग स्टार चार टाइप के होते हैं, ओके। ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। फिलहाल ये हमारा
तीसरा टाइप वाला जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर छोटी सी शेडो भी हो सकती है एंड ग्रीन कलर के कैंडल की भी छोटी सी शेडो हो सकती है। तो मैंने जो आपको थर्ड टाइप बताया था, यहाँ पर हमारा थर्ड टाइप वाला शूटिंग स्टार बन रहा है। ओके, मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर कलर वर्क नहीं करता, यहाँ पर केवल शूटिंग स्टार वर्क करता है। चारों टाइप्स हमेशा ये इंडिकेट करते हैं शूटिंग स्टार बनने पर कि हमारा मार्केट डाउनवर्ड की ओर जाने वाला है, और यहाँ से हमारा कंटिन्यू मार्केट, जब यहाँ शूटिंग स्टार हमें देखने को मिला है, कंटिन्यू मार्केट डाउनवर्ड की ओर गया। ओके, इन तीन कैंडल हमारी डेफिनेटली डाउन की ओर कंटिन्यू बनी है। हम यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड प्रेस कर सकते हैं, देन यहाँ पर हमारी श्योरिटी के साथ ट्रेड विन होकर के आती है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कंटिन्यू, जहाँ पर भी शूटिंग स्टार बना है, हमारा मार्केट कंटिन्यू डाउनवर्ड की ओर आया हुआ है। ओके, देन अगर मैं और आपको दिखा दूँ पीछे, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये रहा, हमें एक और देखिए शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है। ओके, ये हमारा शूटिंग स्टार बना हुआ है, ये भी तीसरे टाइप वाला शूटिंग स्टार बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, शूटिंग स्टार बना हुआ है, इसकी भी ओपनिंग पॉइंट क्लोजिंग पॉइंट नियर साइड है दोनों, एंड ये उल्टा आप देख सकते हैं, अब हमारा इन्वर्टेड हैमर की तरह कुछ देखने को भी मिलता है। ओके, लाइक एज हमारा, हमने जो बताया था ग्रेवस्टोन दोजी की तरह भी होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि ग्रेवस्टोन दोजी हमारा जो होता है उसमें बॉडी पार्ट बहुत पतला होता है, इसका बॉडी पार्ट थोड़ा सा मोटा होता है। ओके, शेडो दोनों की लंबी होती है। ओके, तो ये कुछ हमें इस तरह का देखने को मिला है। अगेन हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें अगेन शूटिंग स्टार हमारा मिल चुका है, तो मैं यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेती हूँ, यहाँ पर ट्रेड प्रेस करके आपको दिखाने वाली हूँ। $200 की मैं यहाँ पर ट्रेड डाउनवर्ड की ओर प्रेस करती हूँ। ओके, देखते हैं कि इसी ट्रेंड को हमारा फॉलो करते हुए ये कितना देता है। फिलहाल हमें यहाँ पर शूटिंग स्टार बनने के बाद यहाँ ट्रेस प्रेस करना चाहिए, थोड़ा सा हमारा टाइम मिस हो गया। अगर हमें यहाँ पर ट्रेस प्रेस करना है तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू थोड़ा सा टाइम बढ़ा करके ट्रेड करना चाहिए, लेकिन मैंने चूंकि एकदम से देखा है कि हमारा शूटिंग स्टार बन चुका है, आपको हमें दिखाना है। ओके, सो मैंने यहाँ पर डाउन की ओर ट्रेड प्रेस की है, 22 सेकेंड है हमारे पास, देखना है कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। ओके, चूँकि हम ट्रेड प्रेस करने में लेट हुए हैं, सो कोई नहीं, ये हमारा फिलहाल शूटिंग है देखने को मिला है, यहाँ से मार्केट हमारा डाउनवर्ड जाएगा। सो हम नेक्स्ट कैंडल के लिए यहाँ पर हम डाउनवर्ड की ओर प्रेस करेंगे अपनी कैंडल। ओके, सो हम यहाँ से चार ट्रेड मेरी पहले लॉस हुई थी, सो मैंने यहाँ पर 6 ट्रेड मैंने इन्वेस्ट की हुई है, मैं दो और कर देती हूँ, देन ये देखते हैं कि इस ट्रेड का हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। ओके, चूँकि इसका फ्लो है मार्केट का, अब यहाँ से और डाउनवर्ड जाएगा। ओके, यहाँ से यहाँ हमारा शूटिंग स्टार बना था, फ्लो हमारा कंटिन्यू डाउनवर्ड गया था। ओके, यहाँ हमें शूटिंग स्टार देखने को मिला, ये वाला, ये आप सब देख सकते हैं, ये वाला शूटिंग स्टार देखने को मिला, देन हमारे यहाँ से और मार्केट डाउनवर्ड जाते हुए यहाँ तक जाएगा। ओके, यहाँ तक फ्लो लेगा। ओके, 24 सेकेंड्स हैं, हमें देखना है कि इस कैंडल का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। ओके, सो 70 सेकेंड्स है हमारे पास। ओके, देन ये ट्रेड हमारी मुझे लगता है अच्छी खासी विन होकर के आएगी। 11 सेकेंड से 10, 9, 8, चूँकि OTC का मार्केट है और मैं इस वक्त मॉर्निंग 4:36 PM पर मैं आपको ये ट्रेड करके दिखा रही हूँ। ओके, सो ये ट्रेड हमारी डेफिनेटली विन होकर के आ चुकी है, एंड शूटिंग स्टार मैंने आपको बोला है, शूटिंग स्टार हमारा बना हुआ, देन हमारी ये पूरा फ्लो अभी कंटिन्यू डाउनवर्ड की ओर आएगा। मैं आपको यहाँ पर और चीज़ दिखाती हूँ, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके दिखाती हूँ, $1000 की ट्रेड लूँगी मैं 3 मिनट की डाउनवर्ड की ओर। ओके, सो उसका मैं टाइम लूँगी यहाँ पर 3 मिनट का। ओके, सो अभी हो रहा है 36:04 की ट्रेड हो जाएगी, मैं यहाँ पर लेती हूँ ये 39 की ट्रेड। ओके, डाउनवर्ड की लेते हैं, थोड़ा सा 27 हम वेट कर लें। ओके, देखेंगे कि हमें 3 मिनट की इस ट्रेड का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, क्योंकि शूटिंग स्टार बना है तो हमारा मार्केट का फ्लो ऑब्वियसली डाउनवर्ड की हो जाएगा। सो हम यहाँ पर मैंने $2000 मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, 3 मिनट की ट्रेड मैंने प्रेस की है डाउनवर्ड की ओर, देखेंगे कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। अगर ये हमारी यहाँ से कैंडल अपवर्ड की ओर जाती है तो इसका ये जो हमारा जिगजैग इंडिकेटर है ये हमें फिर यहाँ से फ्लो करते हुए ये इधर यहाँ पर लेकर जाएगा, लेकिन चूँकि हमने इस शूटिंग स्टार का यूज़ किया है, ओके, इसके एनालिसिस को यूज़ करते हुए हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा मार्केट डाउनवर्ड की ओर फ्लो करती हुई यहाँ पर आएगा। ओके, सो मैंने यहाँ पर 3 मिनट की ट्रेड डाली हुई है, $2000 इन्वेस्ट किए हुए हैं। ओके, देखते हैं कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। ओके, अभी हमारे पास अब 2.5 मिनट का टाइम है, बहुत टाइम है। एंड गाइज, एक बात मैं हमेशा जो आपको बताती हूँ,
कि कभी भी जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए ट्रेडर्स हैं, उनके लिए खास कर ये जानने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइज। समझ लीजिए, हमेशा ट्रेडिंग करते समय आपको अपने मनी मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करके रखना है, ओके, सेव करके रखना है। मनी मैनेजमेंट आप समझ सकते हैं, आपके अकाउंट में जितना आपका टोटल रियल बैलेंस है, आपको उसका ओनली 10% अमाउंट ही यूज़ करना है। 10% यूज़ करेंगे तो उसमें आपको लॉस होने का रिस्क नहीं रहेगा, आप हाइपर नहीं होंगे, आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी, ओके, देन आप लॉस होने से बच जाएंगे, ओके, आपके चांसेस रहेंगे प्रॉफिट गेन करने के। सो इसलिए गाइज मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ओके। एंड गाइज हमारे पास अभी भी अबव 1.5 मिनट का टाइम है, क्लोजिंग पॉइंट पर है, देखते हैं कि हमें ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, ओके। फिलहाल चूंकि अभी मार्केट साइडवेज चलने लगा है, ओके, ओटीसी का मार्केट है और ओटीसी के मार्केट पर यू नो गाइज कोई स्ट्रेटजी फंडामेंटल सब सिग्नल्स ऐसे कम चांसेस रहते हैं अप्लाई होने के, ओके। अभी हमारे पास 1.5 मिनट का टाइम है, वेट करते हैं कि हमें ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। यू $2,000 हमारे इन्वेस्टेड हैं, ओके, एंड शूटिंग स्टार्स के लेवल को यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस को टच करता है तो फिलहाल ये दोनों ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है गाइस, कोई नहीं, हम इसको कवर करेंगे, ओके। देन आपके सामने ये अपने $2,000 रिकवर करके दिखाऊंगी, ओके। सो मैं देखती हूँ कि कोई और हमें शूटिंग स्टार ऐसा देखने को मिल जाए, कोई और करेंसी में अगर ले लूँ EUR USD पर, क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइडवेज हमारा चलने लगा है। सो यहाँ पर एक और हमें कुछ ऐसा पीक पॉइंट पर, यह पीक पॉइंट पर देखो देखने को मिला हमें, यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट डाउनवर्ड गया है, ओके, यहाँ मार्केट भी अभी साइडवेज चल रहा है। कोई और करेंसी देख लेती हूँ, यह यहाँ पर भी नहीं है, अभी यहाँ पर भी नहीं है, एंड गाइज यहाँ पर हमें देखने को मिला है, ओके। सो हमें यहाँ पर अपनी ट्रेड प्रेस करेंगे, ओके, हालांकि माइंड यहाँ पर मार्केट वोलेटाइल है, आप देख रहे हैं शेडोज ज़्यादा बन रही हैं, ओके, कोई नहीं, मैं थोड़ा सा वेट करूँगी, है ना। एंड मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर डाउन की ओर अपने $2,000 मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, ओके, वेट करेंगे कि हमें इस ट्रेड का रिज़ल्ट क्या देखने को मिलेगा। मार्केट वोलेटाइल है, यहाँ पर ऐसे मार्केट में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ओके, 39 सेकेंड्स हैं, ओके, वेट करेंगे, 35 सेकेंड्स हैं, क्योंकि ये हमारा शूटिंग स्टार बना हुआ है, 29 सेकेंड्स हैं, ओके, 25 सेकेंड्स हैं, डाउन की ओर फ्लो ले रहा है, क्योंकि मैंने बोला है कि शूटिंग स्टार हमेशा अपर पीक पॉइंट पर बनता है और ये हमारा पीक पॉइंट है, आप देख रहे हैं, एंड यहाँ से जिगजैग दिखा रहा है कि यहाँ से इसने डाउनवर्ड की ओर फ्लो लिया है, एंड ये ट्रेड हमारी अच्छी खासी विन होकर के आई है। जो पिछले हमारे जो $2,000 लॉस हुए थे वो अच्छे खासे हमारे रिकवर होके आ गए हैं, ओके, गाइस हमारा लॉस रिकवर हो गया है, ओके। सो अगेन मैं ट्रेड प्रेस करूँगी यहाँ पर, अगेन मैं अपना प्रॉफिट रेट बढ़ाने के लिए, मुझे लगता है कि यहाँ मार्केट अभी डाउनवर्ड ही जाएगा, सो मैंने $2,000 और इन्वेस्ट कर दिए हुए, देखते हैं कि हमें स्ट्रेट का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, ओके, 43 सेकेंड्स हैं, वेट करेंगे कि हमें 38 सेकेंड्स हैं, पर आप देख रहे हैं गाइस, ओके, 12 सेकेंड्स हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, अभी विन भी हो सकती है, ओके, 7 सेकेंड्स हैं, 5 सेकेंड्स हैं, 4, 3, 2, देन गाइज ये ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है, ओके। अब मैं सारा का सारा अमाउंट आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ, ओके। सो मैं यहाँ पर सारा का सारा अपना अमाउंट अप्लाई कर देती हूँ, देखते हैं कि गाइज मज़े मज़े वाली चीज़ है कि मैं ये मुझे यहाँ पर ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, ओके। एंड $4,000 इन्वेस्टेड है गाइज, देखते हैं कि हमें यहाँ पर ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, चूँकि यहाँ पर हमें आप देख रहे हो तो हमें हैंगिंग मैन देखने को मिला है और 29 सेकेंड्स हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर हमें ये हैंगिंग मैन जो कि मैं फर्स्ट Part 1 वीडियो में आप सभी को बता चुकी हूँ, Part 1 वीडियो के बेसिस पर मैंने यहाँ पर ये ट्रेड ली है, सारा का सारा अमाउंट यूज़ किया है, ओके, 70 सेकेंड्स हैं, देन मुझे ये ट्रेड मुझे अच्छी खासी विन मिल जाएगी, एंड हमारा जो लॉस हुआ था एंड हम अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे रिकवर करते हुए, ओके। सो
सो आप सब देख सकते हैं कि अभी मैं $5,000 के साथ आई थी। अभी मेरे अकाउंट में अबव 7,800 का अबव लाइव बैलेंस है। ओके तो मैंने यहाँ पर लगभग $2,500 का प्रॉफिट कर लिया है, लगभग 2,500 का बैलेंस मैंने कर लिया है। ओके सो होप सो आप सभी को ये शूटिंग स्टार अच्छे से समझ में आया होगा। शूटिंग स्टार आप एक बार और फिर से समझिए, हमेशा पीक इस पीक पॉइंट पर बनने को ये देखने को मिलते हैं। एक ये मिल रहा है यहाँ पर, हमें ये भी पीक पॉइंट पर ये शूटिंग स्टार हमारा देखने को मिल रहा है। ओके ओके यहाँ पर इसके अलावा मैं और आपको दिखा दूँ तो हर पीक पॉइंट पर हमें ये चांसेस रहते हैं देखने को मिलते हैं। ओके जहाँ पर भी हमारा पीक पॉइंट रहता है वहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें ग्रीन वाला शूटिंग स्टार देखने को मिला है, ग्रीन वाला शूटिंग स्टार जो मैंने सेकंड टाइप वाला ग्रीन जो बताया था मैंने। ओके सेकंड टाइप वाला मॉडल हमें शूटिंग स्टार देखने को मिला है। सो होप सो आप सभी को अच्छे से ये क्लियरली समझ में आया होगा शूटिंग स्टार के बारे में। तो गाइस ध्यान रखिएगा, शूटिंग स्टार हमेशा पीक पॉइंट पर बनते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। ओके एंड ये इनका ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट बहुत क्लोज रहता है, नियर साइड रहता है, लंबी सी शेडो होती है। ओके तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। तो गाइज होप्स आप सभी को ये शूटिंग स्टार्स अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने इनके कलर्स की इंपॉर्टेंस क्या रहती है, ये किस डायरेक्शन में इनके बनने पर मार्केट का फ्लो हो सकता है, किस डायरेक्शन में इनका ट्रेंड जा सकता है, सारी चीज़ों को हमने कवर अप किया था। आपको आइडेंटिफाई करके हमने मार्केट चार्ट्स पर लाइव ट्रेड करके भी दिखाई थी। होप्स आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड गाइज मोस्ट ऑफ थिंग अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है अच्छा वर्क करने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने के लिए। ओके सो इस सीरीज़ में कल हम बात करने वाले, आज हमने बात की थी शूटिंग स्टार्स के बारे में, लेकिन कल की सीरीज में पार्ट फोर में हम बात करने वाले हैं इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार के बारे में। ये क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, कैसे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करके हम इन पर ट्रेड कर सकते हैं, कैसे अपनी विनिंग निकाल सकते हैं, सारी चीज़ों को हम कवर अप करने वाले हैं। तो गाइज कल की वीडियो भी मिस मत कीजिएगा, कंटिन्यू आप सभी के लिए पढ़े में वीडियो लेकर के आ रही हूँ। सो आप सभी सपोर्ट कीजिएगा। ओके सो मिलते हैं कल इस नेक्स्ट वीडियो में इवनिंग एंड स्टार्स एंड मॉर्निंग स्टार के साथ। सो तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।